हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलेक्स कप सिरप के बारे में। एलेक्स कप सिरप कौन इसको मैन्युफैक्चर करता है, क्या इसका कंपोजिशन होता है, इसका प्राइस क्या होता है, इसका यूज़ क्या होते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, कब इसको लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए और इसका प्राइस के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसकी बात करें कि इसको कौन मैन्युफैक्चर करता है, तो इसको ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर करती है। और इसका कंपोजिशन की बात करें तो इसके कंपोजिशन में डेक्सटोमेथोरफेन होता है। ईच 5 ml कंटेंट डेक्सटोमेथोरफेन, 10 mg फेनाइलिपिनेफ्रिन और क्लोरफेनिरामीन। तो ये तो हो गई दोस्तों इसके कंपोजिशन की बात। तो हम जान लेते हैं इसका यूज़ क्या होता है। इसको ड्राई कफ में यूज़ किया जाता है, वेट कफ में इतनी इफेक्टिव नहीं होती है, बट ड्राई कफ में ये काफ़ी इफेक्टिव होती है। इसके साथ साथ ये स्नीजिंग, मतलब जब जुकाम होते हैं, छींक आती हैं, रनी नोज, वाटरी आइस, रनी नोज मतलब नाक से पानी बहना, वाटरी आइस और थ्रोट इरिटेशन मीन्स गले में खराश टाइप की होती है, उस कंडीशन में भी इसको यूज़ किया जाता है। कंजेशन जैसे कि सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो बलगम जमने के कारण, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए डेक्सटोमेथोरफेन सिरप, एलेक्स कप सिरप काफ़ी इफेक्टिव होता है। तो ये तो हो गई इसके दोस्तों यूजेस की बात। अब हम जान लेते हैं कि इसको कितना लेना चाहिए। तो इसको जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें 5 ml देना चाहिए, यदि ज़्यादा खांसी है तो 3 टाइम, यदि नॉर्मल है तो 2 टाइम, और जो एडल्ट होते हैं और जो बुजुर्ग होते हैं उनमें 2 ढक्कन 3 बार देना चाहिए, सुबह दोपहर शाम। इसको खाना के साथ भी ले सकते हैं और खाने के बाद भी ले सकते हैं, फूड के साथ ऐसा कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं होता है। अब जान लेते हैं कि इसको किसको लेना सेफ होता है। जैसे कि इसकी थोड़ी सी वो कंडीशंस हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी में ये अनसेफ होती है, तो जो भी प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनको इसको अवॉइड करना चाहिए। और जिनका लीवर डैमेज होता है या जिन लीवर की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लीवर डैमेज होता है, उनके लिए भी ये अनसेफ होता है। किडनी पेशेंट के लिए ठीक है। एंड एक मेजर कंडीशन है कि इसको लेने के बाद कभी भी आपको ड्राइविंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके लेने के बाद थोड़े मीन्स ड्राउजीनेस सी आती है, मतलब नींद सी आती है, जिसके कारण कि आपकी झपकी लग सकती है और एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। इसलिए इसको जो ड्राइवर होते हैं या फिर आप लिया है तो ड्राइव करना अवॉइड करना चाहिए। इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स वैसे तो नॉर्मली नोज़िया, वोमिटिंग और भूख कम लगना, लेथर्जी और जैसे कि आलस आना, इस टाइप के साइड इफ़ेक्ट्स आपको दिख सकते हैं। और भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं बट इतने ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं। अब इसके प्राइस की बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका प्राइस होता है अराउंड 129 रुपये। और ये शुगर फ्री भी अवेलेबल होती है, जो कि डायबिटीज़ पेशेंट के लिए अच्छी होती है।